What's up? Welcome. What's up, everybody? Welcome to a brand new video. Well, आज के दिन मैं सोच रहा था आखिर मैं क्या बनाऊं? आखिर मैं ऐसा क्या बनाऊं जो कि तुम लोगों को पसंद आए? और फिर मेरे मन में एक आइडिया आया. तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, आखिर आइडिया क्या है? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे. और वो आइडिया है माइनक्राफ्ट चैलेंज. तुम लोगों के मन में क्या चल रहा होगा? कितना बड़ा कुछ आइडिया आ गया रचित भाई को, बट यही तरीका है सब्सक्राइब और लाइक बढ़ाने का. यस, वैसे भी यार आजकल कोई सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा है यार मेरे को. लाइक लिटरली देखो, मेरे हर दिन सिर्फ 6 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं. तो प्लीज क्लिक ऑन दैट सब्सक्राइब बटन. तो यार गाइस, जैसे कि मैंने तुम लोगों से बोला कि आजकल हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, और हम लोग दोबारा से इस लड़के के साथ आ चुके हैं. तो वेल, तुम लोग को मेरे पीछे यहाँ पे तीन सीक्रेट घर दिख रहे होंगे जो कि तुम लोग को अंदर ले जाते हैं कहीं पे. तो मैं तुम लोग को बता दूं कि ये तीनों घर बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है. एक्चुअली गाइस, आज के हम लोग एक चैलेंज कर रहे हैं, और इस चैलेंज को माइनक्राफ्ट में कहते हैं डू नॉट चूज रॉन्ग हाउस. ओके, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया है तो तुम लोग को समझाता हूँ. एक्चुअली जो तुम तीनों हाउस देख रहे हो ना, ये सीक्रेट हाउस है कुछ स्कैरी कैरेक्टर्स के. जैसे कि ये वाला जो हाउस है, ये हाउस है ग्रैनी अम्मा का. इसके अंदर ग्रैनी रहती है, और पता नहीं इसके अंदर अपने को कुछ भी मिल सकता है. और फिर ये जो सेकेंड हाउस है ना, ये सेकेंड हाउस है साइरन हेड का. और अगर तुम लोग को मेरी बात भी बिलीव नहीं हो रहा है ना, तो ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है साइरन हेड. तब तो मैं बोलता हूँ मेरी बात पे विश्वास कर लिया करो. तो ये दो हाउस थे, एक था ग्रैनी का, एक था साइरन हेड का. अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा, आखिर रचित भाई ये किसका घर है फिर? तो भाई ये भी एक बहुत खतरनाक कैरेक्टर का घर है. तो ये जो घर है ना, सीक्रेट घर, ये है पेनीवाइज का. वेल, तुम लोग को इस पे भी भरोसा नहीं हो रहा होगा. तो ये देखो, ये लिखा हुआ है पेनीवाइज. अब वेल, इस चैलेंज में होता क्या है, एक्चुअली अपने को ये तीनों के तीनों घरों के अंदर जाना है, और इन तीनों घरों के अंदर कहीं पे चेस्ट रखी हुई है. और हमारा ये चैलेंज है कि हमें उन सारी चेस्ट को जो है ना कलेक्ट करना है, क्योंकि उनके अंदर कुछ सीक्रेट चीजें हैं. बट इसमें अपने को सबसे पहले स्टार्टिंग करनी पड़ेगी बीच वाले हाउस से, और मेरे में बीच वाला हाउस पड़ा है साइरन हेड का. तो मेरे को नहीं पता यार इस घर के अंदर क्या होगा. वेल, मैंने इस चैलेंज के लिए तैयारी कर रखी थी, क्योंकि तुम लोग को पता है कि रचित भाई बहुत ही ज्यादा प्रो है. एक्चुअली मेरे पास 3 अनचार्टेड एप्पल्स हैं, गोल्डन एप्पल्स एंड एक गोल्डन एप्पल है, और यहाँ पर एक चेस्ट रही, और मैंने इस चेस्ट के अंदर कुछ चीजें रख रखी है जो की है ये. तो एक्चुअली तुम लोग देख सकते हो भाई, ये हमारा चेस्ट और ये सारी चीजें हैं. तो एक्चुअली मैंने ये आर्मर इसलिए रख रखा है कि अगर इस घर के अंदर साइरन हेड होता है या कोई और जीव होता है ना, तो भाई मेरे को कहीं दिक्कत ना हो जाए उसको मारने में, और भाई मेरे को कहीं 2-3 तमाचे मार के ना गिरा दे, समझे. तो इसी वजह से मैं क्या करता हूँ भाई, मैं इस आर्मर को पहन लेता हूँ, और यहाँ पर एक गोल्डन एप्पल है, इसको भी मैं खा लेता हूँ. ओके, मैंने गोल्डन एप्पल खा लिया. अब नीचे चलते हैं. तुम लोग देख सकते हो भाई, यहाँ पर ये स्टेयर्स थी. ओके, खोलते हैं भाई साइरन हेड के हाउस को. वो ओ माय गॉड, ये देखो इधर साइड क्या है. तो मेरे को आवाज आ रही है किसी की. ओके, अंदर चलो अंदर चलो. ये तो बिल्कुल गुफा सी बना रखी भाई, ये देखो. ओ इधर भी, ओए नीचे कोई है, नीचे कोई है. ओ माय गॉड, मैंने किसी को देखा. ये देखो, यहाँ पर कोई है भाई इसके नीचे. ओके, इसके नीचे थोड़ी देर में आएंगे. ओ नो, सच्चे में इस घर के अंदर कोई है. ओके, आगे जाते हैं, चेस्ट ढूंढते हैं कहाँ पर है. ओ ये क्या है, इधर क्या है. ओके, नीचे जाने का रास्ता है गाइस. चलो 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 नीचे चलो. ओ इधर साइड तो गेट रहे भाई बहुत सारे. ओके, इसके अंदर है क्या? व्हाट, इसके अंदर भी नहीं है कुछ भी. ओके, आई थिंक इस रूम के अंदर होगा. खोलो 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 खोलो. अबे इसके अंदर भी कुछ नहीं है. अबे भाई ये तो भूल भुलैया है भाई, मैं कहां से आया था. ओ नो भाई, मैं आया किधर से था भाई, मैं यही भूल गया कि आखिर मैं कहां से आया था भाई. ये देखो भाई कितनी भूल भुलैया है भाई, ये रहा ली रास्ता. अबे भाई ये साइरन हेड का घर इतना भूल भुलैया क्यों है यार. एक्चुअली मेरे हिसाब से इधर ही कहीं पे कोई सी चीज होगी. ओह, मैं इधर साइड से आया था, तो इधर साइड पे कोई सीक्रेट जगह होगी गाइस मेरे हिसाब से. ओ यहाँ पर कुछ है. ओके चलो 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 नीचे चलो नीचे चलो. अबे नीचे चलो. ओके 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 ओके. ओ माय गॉड भाई, ये पूरी चीज देखो भाई किसकी बनी हुई है. इसको चेक करते हैं भाई, ये देखो पूरा सब कुछ ग्लोस्टोन का बना हुआ है. इतना पैसा किसके पास आ गया यार, मतलब इतना अमीर साइरन हेड कब से हो गया कि भाई उसने सारे ग्लोस्टोन लगा रखे भाई इस जगह पर. वैसे यहाँ पर एक चेस्ट है. वो इस चेस्ट के अंदर अपने को एक हंटिंग राइफल मिली है, और ये 40 बुलेट्स मिली है अपने को. तो गाइस मेरे पास राइफल है, तुम लोग देख सकते हो मैं व्हाट द हेक. ओके, तो इस राइफल से हम लोग गोली चला सकते हैं अगर अपने को साइरन हेड मिले तो. ओके, ऊपर चलते हैं. एक्चुअली मैंने ऊपर भी किसी को देखा था. अब चढ़ेंगे. यस 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 यस, निकलो 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 निकलो. निकल गए भाई. ओ माय गॉड. ओके भाई, मैं अपने हाथ में ये बंदूक पकड़े हुए हूँ, अगर मेरे को कोई भी दिखा उसको मैं उसी समय मारूंगा. वैसे मैंने इसके नीचे एक देखा था कोई. ओए कहाँ गया भाई, जब मैं आया था यहाँ पर कोई था. ओके नीचे चल के देखता हूँ. चलो 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 चलो.
ओ माय गॉड भाई, ये कौन था? ओ तेरे की भाई, इसने मेरी हेल्थ गिरा दी होती है यार। तो इस चेस्ट के अंदर क्या है भाई? ये मेरे सबसे इस चेस्ट की रखवाली कर रहा था। ओके लेट्स सी इस चेस्ट के अंदर क्या है। ओ इस चेस्ट के अंदर सायरन हेड का स्पॉन एग है। ओ निकालो निकालो निकालो। आई थिंक भाई सायरन हेड ने बच्चा दिया होगा, ये उसी का अंडा है। ओके हम अंडा चुरा के भाग जाते हैं। निकलो निकलो निकलो, यस निकल आए निकल आए निकल आए। ओके वो कौन है? वो कौन है भाई? वो ग्रैनी के घर के सामने कौन है? जा रहा है जा रहा है जा रहा जा रहा। चलो 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 चलो। ओके ये ग्रैनी का घर है। A few moments later. भाई जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, हम लोग भाई उस ग्रैनी बुढ़िया के घर में हैं और यहाँ पर उसका ये बेड डला हुआ है और इधर साइड ये चेस्ट है, बट इस चेस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है। मेरे लगता है भाई वो ग्रैनी अम्मा इधर ही साइड कहीं पे है। बट भाई तुम लोग देख सकते हो भाई, मैंने पूरा आर्मर पहन रखा है तो मेरे हिसाब से मेरे को कुछ भी नहीं होगा। पहले यहाँ पर एक रास्ता है। ओके इस रास्ता के अंदर चलो। भाई उसके अंदर ग्रैनी है। दोबारा चलता हूँ, तुम लोग को बिलीव नहीं हो रहा था। लठिया लेके खड़ी है भाई, वो लठिया लेके खड़ी है भाई। भाई वो बुड्ढी औरत इधर ही साइड है और वो उस चेस्ट की देखभाली कर रही है। भाई ये चैलेंज हार्ड होने वाला है। और मैं क्यों डर रहा हूँ बे? आखिर मैं क्यों डर रहा हूँ? आई एम द रचित प्रो। वैसे मैं नाम का प्रो भाई, क्रिएटिव मोड में मारता हूँ एंडर ड्रैगन को। चल 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 चल। ओ ये रही हट हट। ग्रैनी अम्मा, ये रही ग्रैनी। नहीं 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 मत मारो। मार दिया, मार दिया मैंने ग्रैनी अम्मा को। भाई ग्रैनी अम्मा ने मेरी हेल्थ कम कर दी, लेकिन मैंने भाई एप्पल खा रखा था इसकी वजह से मैं बच गया। ओके चेक करते हैं इस चेस्ट के अंदर क्या है। एक दो तीन। ओ इसके अंदर भी एक स्पॉन एग है, ग्रैनी स्पॉन एग। कलेक्ट करो कलेक्ट करो। तो आई थिंक गाइस हमारा चैलेंज ये है कि हमें ये सारे तीनों घरों के अंदर के जो स्पॉन एग है ना, उनको कलेक्ट करना है। लेकिन भाई वो सायरन हेड का घर कितना ज्यादा कंफ्यूजिंग था यार। अभी मेरा कैमरा कैसे हिला यार, मैं डरा गया भाई, ये कैमरा कैसे हिल गया मेरा। ओके तो गाइस अभी हम लोग जाते हैं लास्ट घर में। हम लोगों ने गाइस ये दो घर के चैलेंजेस पार कर दिए हैं, अब बस एक घर बचा है जो कि है पेनीवाइज का। और बेलिस चैलेंज का नाम है डू नॉट चूज रॉन्ग हाउस। और ये चैलेंज काफी लोग माइनक्राफ्ट में करते हैं, बट मेरे को एक चीज कभी समझ में नहीं आई। एक्चुअली हमें ये तीनों के तीनों हाउसेस में जाना है, तो इसका नाम डू नॉट चूज रॉन्ग हाउस क्यों है? क्योंकि हमें आखिरी में सारे घरों में ही विजिट करना है। तो वो बता है भाई, वो आदमी दोबारा आ गया। भाई वो कौन है यार? भाई वो माइनक्राफ्ट का मॉब तो नहीं लग रहा है यार। हेलो ब्रो व्हाट्सअप। अबे नहीं 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 नहीं, ओ बता है ये कौन था? Okay, एक बचा, एक को मैंने मार दिया। हेलो ब्रो कौन है तू, यहाँ पे क्या कर रहा है? ओह नो, मार दिया क्या इसको? ओके मार दिया मैंने। एप्पल खा एप्पल खा। एक्चुअली ये लोग देखभाली कर रहे थे इस पेनीवाइज के घर में, ये चाहते थे कि रचित ये चैलेंज को कंप्लीट ना कर पाए। ओके गाइस तो ये है हमारे पेनीवाइज का घर, जो कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है पेनीवाइज। कितना खूबसूरत घर बना रखा भाई इसने, ये देखो। ओके बोल दिया हम लोगों ने। ये पागल पेनीवाइज एंट्रेंस के बाहर यहाँ पे सोफा ओफा तो लगा के रखता है यार, कम से कम यहाँ पे कुछ पानी यानी पिलाता भाई मेरे को। ओके गाइस तो अब मेरे को सिर्फ एक रास्ता दिख रहा है जो कि मेरे हिसाब से आगे जाने का होगा। ओए ओए ये कौन है? ओ नो 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 नो, ओए ये एक और आ गया। ओए ओए नो, आ हट हट। ओ भाई मेरी बुलेट्स खत्म हो रही हैं। चक्के 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 दूर रहे मेरे से। पेनीवाइज। ओके 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 हट, मारो इसको मारो इसको। मार दिया क्या इसको मैंने? ओके मेरे हिसाब से मैंने सबको मार दिया। अब अंदर चलो। ओके हो ये रहा गाइस हमारा चेस्ट। ओ इसके अंदर रहा रियल पेनीवाइज का स्पॉन एग। नाइस, ओ माय गॉड। तो फाइनली गाइस हम लोगों ने ये तीनों के तीनों घर चेक कर लिए हैं और हम लोगों ने ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया है। ओके वेल जब भाई मैंने इन सारे स्पॉन एग्स को ले लिया है, तो अब मैं इनको यहाँ पर स्पॉन करता हूँ। ओ ये रहा साइरन है, ये रहा पेनीवाइज और ये रहा ग्रैनी। भागो 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 भागो। ओ साइरन हेड आ गया, साइरन हेड आ गया, साइरन हेड आ गया। साइरन हेड को मारो गाइस, ये नया। अबे मार दिया मार दिया मार दिया। ओके भाई ये साइरन हेड का छोटा सा बच्चा था मेरे हिसाब से और मैंने इसको मार दिया। ओ माय गॉड। वेल गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेरा नाम है रचित एंड मैं मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए